नमस्कार। देखिए, एलिगेशंस लगाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, फैक्ट्स पेश करने के लिए आए हैं। फैक्ट नंबर वन ये है कि मेरी मुलाकात आदिल भाई से सबसे पहले अम्बोली पुलिस चौकी में हुई थी। वहाँ पर मैं गई थी मिस मोटर माउथ के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने, और ये पहुँचे वहाँ पर अपनी बीवी के साथ, और इन्होंने मेरे पास आकर मुझसे विनती करी, कहा शैलिन मेरी बहन प्लीज़ माफ़ कर दे उसको, अपना केस वापस ले ले। मैंने कहा क्यों भाई, प्लीज़ वो सर फिरी है, वो पागल है, उसको आप प्लीज़ माफ़ कर दो। ये इनके शब्द थे। कहने का मतलब ये है कि इनका कसूर ये है कि इन्होंने एक पागल बददिमाग सर फिरी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करी, ये इनका कसूर है। अगर ऐसा नहीं करते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। इस तरह अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर उस लड़की को अपनाया, कोर्ट मैरिज करी, अब बताओ। और राखी को बोलना मीडिया के ऊपर बहुत आसान है कि मीडिया तुम्हारी साइड है, बिकॉज वो चाहती है कि मीडिया में एलिगेशंस हो जाए, वो मुझे ना कवर करे, दुनिया को मेरी सच ना पता चले। यह उसका नॉर्मल है, नॉर्मल। वो तो शर्लिन और मुझे भी लड़वा देगी। मुझे कहा गया था शर्लिन ठीक नहीं है, उसे ज़्यादा बात मत करो, तुमने क्या किया, नंबर दे दिया क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने उनको बहन करके बात किया था। जैसे उनको फ्रॉम द पुलिस स्टेशन उन्होंने छोड़ा था, देन शी सैट विथ मी, बोला नंबर ले लिया, अभी शर्लिन से मिलोगे, शर्लिन के साथ तुम घूमने जाओगे। मैंने कहा राखी तुम क्या बोल रही हो, तुम उनसे फ़ोन करके पूछो, मैं नहीं बात करूँगी, वो ये है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, जो उनके शब्द है मैं तो नहीं बता सकता। नहीं, ये हम सब जानते हैं कि एक महिला को जलील करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, उस महिला को बाजारू बोलना। और ये उस लड़की ने कई बार किया है मेरे साथ। उसने कहा कि मैं किसी वैश्या व्यवसाय में पकड़ी गई थी, और ये भी कहा कि अलीगढ़ पुलिस ने मुझको रंगे हाथ पकड़ा था। मैंने क्या कहा? अलीबाग, माफ़ कीजिएगा, अलीबाग पुलिस ने मुझे रंगे हाथ पकड़ा था, ऐसा उसका कहना था। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए अम्बोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस को संपर्क किया, पता लगाया, और अलीबाग पुलिस ने अम्बोली पुलिस को ये बताया कि आज तक उनके पास ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं हुई जिसमें मेरा नाम, शैलिन चोपड़ा का नाम बतौर आरोपी दर्ज हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के लिए कितना आसान होता है ये कहना, फलाना बाजारू है, फलाना वैश्या है, फलाना खूनी है, फलाना बलात्कारी है, फलाना ये है, फलाना वो है, फलाना, क्या है ये? फलाना रईस है, फलाना ड्राइवर है। नहीं, ये बात मुझे बहुत खटकी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत बहुत आसान है राखी को किसी को ब्लेम करना, किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाना, उसके पास चने ले लेना, उसके बाद बता देना कि ये तो भिखारी था, ये तो ड्राइवर था, ये तो वो था, ये तो ये था। कल की बात कर रहा हूँ मैं, जो राखी बोल रही थी कि रितेश बहुत अच्छे इंसान है, रितेश बहुत पैसे वाले हैं, रितेश मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बोला था ना? जी बिल्कुल। एक सवाल है भाई, अगर उसकी इन बातों में सच्चाई है कि रितेश एक नंबर का हीरा है, रितेश ने उनके खर्चे उठाए, उनका घर चलाया, उनकी स्वर्गीय माँ के कई सारे सर्जरीज कराए, और उनसे
बे इंतहा मोहब्बत करता है रितेश, अगर इन बातों में सच्चाई है तो उनकी धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई को मजबूर क्यों किया उनसे शादी करने के लिए? ये अजीब बात है, शादीशुदा होते हुए किसी और से शादी करना क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? तो क्या शादी उनके लिए मजाक बनकर रह गया? हाँ, ना जज्बातों की कदर करती है ना शादी की कदर करती है, बस चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना कि मैं मुसलमान हूँ मैं मुसलमान हूँ, इससे क्या होगा? एक सच्चा मुसलमान ये नहीं कहता चिल्ला चिल्ला कर कि वो मुसलमान है, उसकी हरकतों से पता चलता है, उसकी इबादत से पता चलता है कि वो मुसलमान है, अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है वो। शर्लिन, मुझे लोग तो ये भी बोल रहे हैं, कल तो मुझे मैसेजेस आए, ये बोल रहे हैं कि रितेश और राखी ने मिलकर तुम्हें ट्रैप किया है, ये उनका प्लान था कि आदिल को जाओ, आदिल को पसंद करो, आदिल को लूटो, आदिल से पैसे ले लो, फिर ये हम करते ही रहेंगे। ये तो मैं बोल रहा हूँ अभी कि मुझे यूके का एविडेंस मिला है। ये लोग मुझे ये लिख के बोल रहे हैं, वो बहुत बार मिले हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नंबर वन बेवकूफ़ हो। जब जब तुम कर्नाटक जाते थे तब तब रितेश से वो मिलती थी। ये बात में कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता है, बट मुझे बोल रहे हैं कि तुम रितेश ने भी मिलके तुम्हें फ्रेम किया है। कहाँ का दिखाया था वीज़ा? कहाँ का वीज़ा उस टाइम था कि उस टाइम में वो ग्रीस थे? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताऊँ, ये सरासर झूठ है कि वो लंदन नहीं आए थे। लंदन से और ग्रीस का फासला सिर्फ 38 आवर्स का है बाई कार। क्या 38 आवर्स ट्रैवल करके आप नहीं आ सकते? ये बात आप मुझे बताइए। जब मेरी सो कॉल्ड बीवी 10 दिन तक यूके में रही है, 8 से 10 दिन तक, तो 38 आवर्स का ही सफ़र है। जो रही बात वीज़े की, अगर बिजनेस वीज़े में ऑलरेडी एक बंदा ग्रीस में है तो उसे वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैवल करके कभी भी आ सकता है 38 आवर्स। ये गूगल कहता है, प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए। डू नॉट बिलीव एनीबडी। जो भी हम बात करते हैं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ गूगल करके भी देख लेना, आपके सोर्सेज हैं, आप प्लीज़ गूगल कर लें। डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीस टू यूके दैट इज़ 38 आवर्स। उसके नीचे ये भी लिखा है, इफ़ यू आर हैविंग अ बिजनेस वीज़ा इन ग्रीस यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा, यू कैन ट्रैवल एनी टाइम यू वॉन्ट। और हर 2 घंटे फ्लाइट है यूके से ग्रीस और ग्रीस से यूके। आप मुझे बताइए, आप वीज़ा दिखा के क्या कर रहे हो? वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? हाँ, मैं 100% गया था। एटलीस्ट झूठ ठीक से बोल देते कि मैं इंडिया में था, मैं नहीं गया था, एटलीस्ट मुझे प्रूव करने में टाइम लगता। वो तो विटनेस दे रहे हैं मैं था भाई। अहम, देखिए अहम सवाल, एक सेकेंड, अहम सवाल ये है कि रितेश की धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई से शादी कैसे करी, क्यों करी, ये अहम सवाल बनता है। क्या हमारा संविधान, हमारे देश का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि एक शादीशुदा महिला शादीशुदा होते हुए एक और पुरुष से शादी कर ले? और एक सेकेंड, ये बात मैंने बोला था कि मुझे पता नहीं था, और राखी ने मुझे साफ साफ कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। ये सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट मेरे प्रेस में, डू यू रिमेम्बर, आपने मुझे ये सवाल किया था कि राखी तो शादीशुदा है, दुनिया जानती थी, तो आपने क्यों शादी की? कल तो रितेश और राखी एविडेंट में बोले हैं कि हमने शादी नहीं की थी। आपने सुना? कैसे बोल सकते हैं शादी नहीं हुई है? तो दुनिया को पता था वो दोनों शादीशुदा हैं। जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस बुला के कि वो शादीशुदा नहीं है, तो मैं तो एक सादा सीधा, ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। एक सेकंड, वकील साहब बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं। वकील साहब बोलिए। एक सेकंड, वकील साहब जी बोलिए। यू आर नॉट गोइंग टू द रूट ऑफ मैटर। See, actually, the marriage between Ritesh Kumar and Raki Sawant has been performed at Arya Samaj Mandir at CMH Road, Indira Nagar, Bangalore 38 on 10-11-2019 at 2:30 PM. It is a registered society as per the Karnataka Society Registration Act. You may be knowing what is Arya Samaj Mandir. So that particular marriage has been performed as per Vedic rules, Vedic rites. So whether this particular fact, because Purohit has issued a marriage certificate and office bearers of the Arya Samaj Mandir
has issued the marriage certificate to in relation to performance of marriage between Ritesh Kumar and Rakhi Sawant. और आप मुझे एक बात बताइए. हाँ सर. Now what do you again the marriage between the Adil Khan Durrani and the Rakhi Sawant, whether the consent for the marriage has been obtained under misrepresentation. If it is misrepresentation, it is a fraud and it is a marriage itself is null, and furthermore it is gross violation of law. Furthermore, she has while registering the marriage before the Adil Khan and Rakhi Sawant marriage, she has stated I am unmarried. We have got document affidavit hai, affidavit hai RTA. Today I got a document from the registrar of marriage, the car west. It reveals that she has stated she is unmarried. Or false affidavit banana. False affidavit. एक बहुत बड़ा जुर्म है. And one more thing, in the criminal complaint which she has lodged before the Oshiwara police, what she has stated, whether you have gone through the complaint which is lodged against Adil Khan, first pair of the complaint she has narrated, Adil Khan has agreed at the time of the marriage even to carry out all the customs of Hindu religion. She says in previous sentence, she says we have married as per Sharia law. First line she has stated in the complaint, marriage with Adil Khan has been performed as per Sharia law. Third line she has stated that he has agreed, who? Adil Khan has agreed to perform all the customs of Hindu religion. What a contradicting statement. Absolutely. Sir, Sharia कानून के अनुसार एक शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर सकती है. उसको पहले तलाक लेना पड़ेगा. One more. I'll come to that point. Before that. Her name is Fatima. बात यहाँ पर violation of law की हो रही है. चाहे शरिया कानून हो, चाहे इंडियन लॉ हो, जो भी हो, आप शादीशुदा होते हुए एक दूसरे पुरुष से शादी कैसे कर सकते हैं? और वो भी आप अपने आप को रिप्रेजेंटेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हम शादीशुदा नहीं है, सिंगल है. जब आप उस समय स्टेटस आप ये बता रहे हो, फॉल्स एफिडेविट. दूसरी बात, जैसा आप लोगों ने बोला कि इससे रितेश शादी हुई थी, ये सबको मालूम था, इवन आदिल को भी मालूम था. लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये है कि राखी ने आदिल को रिप्रेजेंट क्या किया था कि मेरी उससे उसके साथ में शादी हुई ही नहीं थी. एज पर राइट्स एंड रिचुअल्स और एज पर द लॉ ऑफ द लैंड उसकी शादी ही नहीं हुई थी. तो ऑब्वियसली जब सामने वाला वो रिप्रेजेंट करेगा तो आप तो बिलीव करोगे ना. और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, सवाल है मेरा, आदिल आपके ऊपर ऐसा कहा गया कि आप राखी की न्यूड वीडियोस कोई अरब को सेल किया कर रहे थे 40-50 लाख. एंड सेकंड थिंग, आप जो आपका बिजनेस ऑटोमोबाइल का, सबूत है क्या? सबूत है. स्टैंप बेचते नहीं बोला था, स्टैंप लगा देते. उनके पेपर पे स्टैंप लगा के सेंड कर चार लोगों को बेच दिया था. तो ये दो आरोप आपके ऊपर लगे, तो इसके ऊपर क्या कुछ? और जो आरोप उन पर लगे हैं उसका क्या? मुझे ना सिर्फ इतना जानना था कि अभी आप जो 6 महीने ले यू वेर इन जेल, वो किस मतलब क्या? देखिए, मुझे लगता है जो मुद्दे की बात है हमें वो करनी चाहिए. और मुद्दे की बात क्या है? ऑफ कोर्स यू टेक योर टाइम. मुद्दे की बात क्या है? ये लोग क्यों मिले? हाँ, दोनों के बीच में प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, शादी की बात हुई, शादी करी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे 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 इनको चूना लगाया गया, ये कंगाल बनते रहे. I'll cut you for a second. जी, आपकी बात थी न्यूड वीडियोस. मैंने 10 इंटरव्यू में कहा है राखी न्यूड वीडियो शूट करती थी, ये उसका पेशा है, वीडियोस बेचती है और वो पैसे कमाती है. उसकी एक विक्टिम ऑलरेडी यहाँ बैठी है, इनके कोई वीडियोस को उन्होंने कुछ किया था, इसी के चक्कर में इन्होंने उस पर केस किया था. बिल्कुल. नंबर टू, ऐसे वीडियोस मेरे राखी एक ग्रुप में भेजती है
राखी इम्पोर्टेंट अपडेट, शायद अब बहुत सारे मीडिया वाले इसमें हैं, आप नहीं बताओगे नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, बोल रहे हैं आदिल आप न्याय लो, जाओ देखो ये, और राखी के मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हैं। माइक के आगे रखिए। आप सब लोग टेंशन ना लें, मैं आप लोगों के सामने आऊंगी, मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ और आके इसकी धज्जियां उड़ाऊंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, सारे प्रूफ के साथ आऊंगी, सारे ऐसे वीडियोस लेकर आऊंगी, खुलासा करूंगी इस बंदे का, ऐसे वीडियो पूरा देश शॉक हो जाएगा, टेंशन ना ले। वीडियोस की बात कर रहे हैं, उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद वो क्या करते हैं, मेरे खुद के वीडियोस लीक करते हैं सो दैट वो बाजार में घूमे। ये राखी का पुराना पेशा है न्यूड वीडियो शूट करा, और 2017 से बहुत सारे गंदे गंदे वेबसाइट्स हैं, आप जाके टाइप करके देखें तो उनके वीडियोस हैं, और इसके लिए हमने क्या किया है, आज वी हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट ऑलरेडी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। सर वी हैव लॉज्ड अ कंप्लेंट बिफोर ओशिवारा पुलिस एंड ऑल्सो वी हैव मेट DCP बांद्रा वेस्ट and that is in connection of not one offense, she has committed series of offenses. Not one offense she has committed, she has committed a polygamy, offense of polygamy. Bilkul. And she has extended criminal intimidation to Adil Khan, and also she has threatening and also cheated to the crores of rupees 420. Yeah, one more thing I would like to point out. See, actually today morning I was drafting a legal notice to the Rakhi Sawant. See, actually when I go through the RTA, I am totally confused whether I have to address her Fatima Rakhi Sawant or Rakhi Sawant. She has given the name as Fatima in the marriage documents. So whether I should address Fatima Rakhi Sawant or Rakhi Sawant. Because she has stated so many things, and once she says that she has already converted, and once she has stated that she wanted to even continue the rise of as per Hindu customs. तो ये आपका जवाब है जो वो बोलती थी न्यूड वीडियोस का, उसमें मुझे न्याय मिलेगा, I will go to court, मैंने already complaint की है, मैं senior officers के पास भी जा पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे पास evidence है जहाँ राखी बोल रही है कि मैं आदिल के न्यूड वीडियोस भेज रही हूँ, आप please circulate करें, मेरे वीडियोस भेजे हैं, आई हैव एवरीथिंग, बावजूद डिलीट किए थे राखी ने, हमारे पास एविडेंट मिला है, और मैं न्याय के लिए कहीं भी जाऊंगा और पाके रहूंगा न्यूड वीडियोस के चक्कर में, बिकॉज मैं सुन सुन के थक गया हूं, आदिल ने 47 लाख में वीडियोस बेचे, कल एक ड्रामा कर रही थी कहीं, एक मैंने देखा कि बता रही है देखो आदिल ने बेचा, आदिल ने खरीदा, आदिल को अकाउंट में पैसे, राखी कुछ एक्टिंग तो ढंग से करो यार, यू आर अ वेरी गुड एक्टर नो डाउट, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, थोड़ा रिहर्सल करके करो एक्टिंग। नहीं अच्छा एंड व्हाट अबाउट द यू मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, राखी का ऐसा कहना है कि आदिल ने मुझे लूटा है, और आदिल का ऐसा कहना है कि राखी ने मुझे लूटा है, अभी इस बात पर नहीं, सी इन ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट, बिल्कुल नॉट वेरी, तो मतलब अभी ऐसा है कि जब पैसे की लेन देन हुई है तो एवरीथिंग इज नॉट इन कैश, मतलब बहुत सारी चीजें जो होगी वो चाहे मतलब वो क्रेडिट कार्ड से होगा या डेबिट कार्ड से होगा या आपके बैंक स्टेटमेंट से होगा, तो अभी इसका जो खुलासा था वो आप दोनों ही जान सकते हो कि आपके पास क्या प्रूफ है, उनके पास क्या प्रूफ है, और ये जो चीज है वो तो मतलब देखिए जितने भी मैंने पैसे दिए हैं राखी को, इट इज ऑल इन वाइट, मैंने कुछ भी कैश में नहीं दिया है, आज हमने जो कंप्लेंट ड्राफ्ट करके उनको नोटिस भेजी उसमें मैंने साफ साफ लिखा है, एक रुपये भी मैंने कैश में नहीं दिया है राखी को, इट इज एवरीथिंग इज इन वाइट, और हर चीज मैंने व्हाइट में दिया है, मेरे दोनों अकाउंट नंबर मैंने कंप्लेंट में ड्राफ्ट किए हैं कि मेरा एक जम्मू एंड कश्मीर का अकाउंट नंबर, एक HDFC बैंक का अकाउंट नंबर, दोनों मेरे करंट अकाउंट से मैंने पैसे दिए हैं राखी को, और राखी क्या बोल रही है, उसने मुझे पॉलिथीन बैग में दिए क्या 1.5 करोड़ रुपए, और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी ये बात रखी थी कि हमने जो भी अकाउंट थे जिससे ट्रांजेक्शन हुए हैं सारे अकाउंट की डिटेल दी है, अकाउंट ट्रांजेक्शन बताया है जिसमें एक क्लियर है कि हमारे अकाउंट से राखी को कितना गया, राखी के अकाउंट से हमको कितना गया, राखी के लिए हमने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट अभी भी जो आदिल ने बोला था कि हम लोग बैठ के हिसाब कर लेते हैं क्या लेना देना है, जो भी अगर मुझे लेना है तो आप मुझे दे देना, अगर आपको देना है तो आप मुझे दे देना, जिसके लिए राखी सावंत आज तक नहीं बैठी है, तो इससे तो एकदम क्लियर है ना, हम तो एविडेंस दे रहे हैं आपको, हम तो जो भी बोल रहे हैं एविडेंस के साथ में। सीएम सिंह
कहाँ है एविडेंस भाई? सेम थिंग, एक सेकंड, लेट मी एविडेंस कहाँ है? अगर शादी को बैठ के डिनाई कर रही है, एविडेंस दे कहाँ रही है वो? आपको दिखाया नहीं, एक सेकेंड आपको दिखाया क्या? क्योंकि सीना ठोक कर मीडिया के सामने उसने बोला कि अलीबाग पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा को रंगे हाथ पकड़ा वैश्या व्यवसाय करते हुए, सीना ठोक कर बोला उसने। कोई इतना बड़ा झूठ बोलता है क्या? सीना ठोक के शादी को भी डिनाई कर रही है यार, बता रही है कि फेक सर्टिफिकेट है हमारा। कोई क्या था वो बददिमाग लड़की, क्या बोल रही थी वो? हमारा कोई शूट था, कौन सा शूट था, कहाँ रिलीज हुआ? अरे देश के कानून को मजाक बनाकर रखा उसने, संविधान की धज्जियां उड़ा दी उसने। कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है मीडिया के सामने? भाई मैंने कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है राखी के साथ, मैंने नहीं वो तो जो कल का नहीं, कल का जो स्टेटमेंट है आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने दोनों बोला। फर्स्ट राखी ने बोला कि वो मुझे जबरदस्ती करता है, लास्ट में बोलते हैं मैं इस्लाम को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं किस पे डिबेट करूँ? आप मुझे बताओ। सबसे बड़ी बात, आप नहीं, एक सेकेंड, उसका ये दावा है कि वो डोंट स्माइल, उसका ये दावा है कि वो आदिल भाई से ज्यादा बेहतर मुसलमान है, तो ये इसका मतलब क्या है? हाँ, अल्लाह मियाँ आपको बोलते, अल्लाह मियाँ बोलते कि जाओ लड़कों को पटाओ, हाँ उनको प्यार के झांसे में फंसाओ, उनको कंगाल बनाओ, निचोड़ो, उसके बाद उनकी जिंदगी नरक बना डालो, उसके बाद उनको जेल की हवा खिलाओ, ऐसा बोलते अल्लाह ताला, शर्मानी चाहिए। लोग तो मुझे दुबई से मैसेज करके बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं और एविडेंस भेज रहे हैं मुझे, मुझे जेल भेज के मेरे पीठ पीछे राखी ने क्या करे? आप बोल रहे हो वो इस्लाम में थी, वो रोज़े कर रही थी, जहां वो बुरखे पहन के जहां मस्जिदों में जाके रील बना रही थी, मुझे एविडेंस भेज रहे हैं ऐसे विथ चैट्स कि राखी ने क्या क्या किया है दुबई में, और राखी के वीडियोज़ भी भेज रहे हैं विथ प्रूफ कि देखो रात भर जाके ऐसे पार्टीज करती थी लड़कों के साथ राखी सावंत। ये तब की वीडियो है जब आदिल कस्टडी में था। मैं कस्टडी में था, मैं जेल में था, मुझे बोल रहे हैं हम आएंगे, हम मुंबई आएंगे, प्लीज हमें सपोर्ट करो, हम बताना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं सब कुछ। क्या ये अहमियत थी मेरे रिश्ते की? मुझे जेल भेज के राखी जब वो सवेरे रील पोस्ट कर रही है कि मैं इस्लाम में हूँ, मैं नमाज में हूँ, मैं रोज़े रख रही हूँ, ये रमज़ान में था एंड दिस वीडियो इज इन रमज़ान, जब मैडम ने नाटक किया है मैं च्युइंगम खा चुकी हूँ आज, उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं, एक्टिंग कर रही, उसने चैट्स में साफ साफ लिखा है आदिल आई एम सो अशेम टू टेल द डे शी डिड द च्युइंगम एक्टिंग इन एयरपोर्ट दैट इज़ द डे शी डिड दिस। उसकी एक रात पहले उसने क्या किया है? देखिए इस देश में करोड़ों मुसलमान हैं। उसके कपड़े देखे तुमने? ये कपड़े पहन के वो ये चीजें कर रही है और मैं कहाँ हूँ? मैं जेल में हूँ, रमजान में मैं जेल में हूँ ना, इस देश में करोड़ों मुसलमान हैं। मेरे पूरे के पूरे मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जितने भी मैंने वाहिद भाई से बात किए हैं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा। देखो कोई भी इंजाम लगाना बहुत आसान होता है, मैं देखो लास्ट टाइम मैंने जब प्रेस में बैठा था और आज भी मैं बैठा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। राखी पार्टी कर रही थी तो मैं प्रूफ दिखाता हूँ, राखी मेरे से धोखा किया है मैं प्रूफ दिखाऊंगा, मेरे से पैसे लिए मैं प्रूफ दिखाऊंगा दोबारा, आई डोंट माइंड। मैंने पैसे लिए अग्रीमेंट दिखाए थे या नहीं? डू यू रिमेंबर मैंने अग्रीमेंट दिखाया? राखी के पास कुछ है, वो तो बोलती है आदिल ने मुझे लूटा 1.5 करोड़ रुपए। जब मैं लगा रहा हूँ इल्ज़ाम राखी को मुझे पैसे देने हैं, आई हैव एविडेंस, मैंने न्यूड वीडियोज नहीं शूट किए राखी ने किए, आई हैव एविडेंस।
कहां से भाई 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 राखी कहां से कोर्ट में जाएगी? राखी के कारनामों की वजह से आज मुझे मीडिया में आके बताना पड़ रहा है। अगर वो चार कमरे के अंदर कोर्ट में करना चाहती थी तो मैं आज इधर नहीं बैठे रहता। राखी जितने भी एलिगेशन की है ना, इवन कोर्ट में मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी इसमें से एक भी चीज़ का उन्होंने एविडेंस नहीं दिया, चाहे पैसे के लेन देन का हो चाहे न्यूड वीडियो का हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसा शर्लिन जी ने भी बोला कि बिना प्रूफ के वो अरविंद केजरीवाल है आज की डेट में, एलिगेशन करती हैं सबके ऊपर लेकिन एविडेंस कोई नहीं देती। सुनिए मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, ये बार बार बोल रही थी जैसे आपसे कि सर ये मुझे धमकी दे रहा है कि मेरे न्यूड वीडियो ये वायरल करेगा, मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बकायदा एविडेंस वो किया था कि इन्होंने एक मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें खुद से ही अपने न्यूड वीडियो शूट कर रही हैं सर्कुलेट कर रही हैं, और ये बोल रही हैं कि बाहर वालों को बोलो इसको कि वायरल करे, ताकि मैं कोर्ट में ये बोल सकूँ कि आदिल मेरे न्यूड वीडियोज़ वायरल करवा रहा है। और ये मीडिया वालों ने मुझे दिया है, मुझे मीडिया वालों ने इस चीजों को दिया है। आपने एक और एक बात की, आपने कहा कि सलमान खान के साथ कभी मिला नहीं। टू ऐड ऑन दिस राखी ने ये सेम एलिगेशंस ओशिवरा पुलिस स्टेशन के बाहर रितेश पे भी लगाए थे कि रितेश न्यूड फोटोज ले रहा है, वो जाके मेरे न्यूड वीडियोस पोस्ट कर देगा, रितेश भिखारी है, रितेश नल्ला है, ये वर्ड यूज किया था। एक सेकेंड दोस्तों वीडियोस हैं। एक सेकेंड नल्ला शब्द का मतलब क्या है? नल्ला का मतलब क्या है? नहीं आप बोलिए, नल्ला का मतलब क्या है? यूजलेस करेक्ट। तो मैं कहती हूँ हाँ, नल्ले थे आदिल भाई जो उनके प्यार में पड़ गए, और नहीं तो क्या? लेकिन नहीं, मैं कौन से मुझे एक बात बताइए, ये प्लीज ये मेरा सवाल है आप लोगों से, आप जब किसी लड़के से शादी करते हैं तो क्या आप ये जानकारी नहीं रखते हैं कि वो क्या काम करता है ना? ये आपको लगता है नहीं मैं शादी के बाद पता लगा लूंगी वो क्या काम करता है, पैसे कैसे कमाता है? नहीं, आप सबसे पहले मालूम करते हैं कि वो क्या काम करता है, उसके परिवार वाले कौन हैं, वो कहां तक पढ़ा लिखा है, आप ये सारी बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके सर पर बाल हैं कि नहीं है। 1.5 साल आप साथ में रहते हैं, हम बिस्तर होते हैं उसके हिसाब से, और फिर आप बोलते हैं ओ माय गॉड मेरा शौहर तो गंजा निकला। हाँ, ये क्या ड्रामा है? हाँ, नहीं आप मुझे बताइए, आप एक इंसान को कंगाल बनाकर उसकी गरीबी पर मजाक उड़ाते हैं, फिर उसके बालों पर मजाक उड़ाते हैं। आपकी स्वर्गीय माँ है, इनके माँ बाप कौन है? इनकी इज्जत नहीं है? इनके घर वालों की इज्जत नहीं है? आपका पेन, आपका स्ट्रगल रियल है, इनकी जिंदगी व्यर्थ है? क्या है ये? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? चलिए आपसे सवाल, कुछ समय पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हार रखा था तो कल राखी ने कहा था कि आदिल कोई सो नहीं रहा था, आदिल जगा हुआ था, अपने सेंस में था। वो तो मुझे ड्रग करा के बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, और राखी के बातों का ना इतु वर भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। राखी कुछ भी बोल सकते हैं यार, रितेश को बिठा के बोल रही है शादी नहीं हुई है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास फेरे हैं, बोल रही फाल्गुनी मैडम बैठ के बोलती है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए। थैंक यू फॉर द आइडिया, अभी कोर्ट ही जाएंगे, कचहरी जाएंगे, इंसाफ लेंगे। क्योंकि आपने फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के नाम का जिक्र किया, इसलिए बता दूं आपको कि मैंने उनके खिलाफ बार एसोसिएशन में एक शिकायत दर्ज करी थी पिछले साल, जब उन्होंने एक वकील होते हुए सरेआम मीडिया के सामने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए बुला कर ये देखिए एक वकील इस तरह का अश्लील काम नहीं कर सकता है। तो 7 अगस्त इस महीने के 7 तारीख को हम गए थे बार काउंसिल पर, और वहां पर
रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने हमसे पूछा कि क्या करना है, उन्होंने ऑफिसर के सामने कहा कि सर सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मीडिया के सामने शैलेन चोपड़ा से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, आप प्लीज़ इस केस को वापस ले लीजिए। तो सर ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि शैलेन चोपड़ा क्या करना चाह रही हैं आप। मैंने कहा सर जिस तरह इन्होंने मेरे इज्जत की नीलामी करी सरे आम मीडिया के सामने, उसी तरह सरे आम मीडिया के सामने मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं ये शिकायत वापस लेने को तैयार हूँ। अगर वो अपनी पीड़ा साझा करती है तो वो उनका संवैधानिक हक है। अगर ये बंदा आदिल भाई अपनी अपना दुख आपके साथ साझा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि असल में ये बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं, असल में ये एकता कपूर जी के साथ काम करना चाहते हैं, असल में इन्हें पब्लिसिटी चाहिए। अच्छा, अरे भाई इसमें गलत क्या है? अगर कोई बिग बॉस के घर में जाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? क्या ये गैर कानूनी है? जो मैंने फेस किया है क्या बिग बॉस के लिए कोई ये करेगा क्या? यार कोई अच्छे सवाल पूछो, तुम राखी के सवाल ही मत पूछो, चीज सच्चे इरिटेटिंग कैरेक्टर। तो राखी शर्लिन जी को लेके क्यों मैसूर आई थी केस करवाने के लिए? ये तो एविडेंस बैठी है मेरे बगल में। आज आप सबके सामने मैं ये कहना चाहूंगी कि लानत है उस दिन पर जब मैं उसके साथ मैसूर गई उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। लानत है उस दिन पर, उसकी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास करके मैं गई। शर्लिन तू मेरी बहन है, तेरी बहन इस समय बहुत ज्यादा विचलित है, ये पीड़ित है। सवाल आप प्लीज इनसे पूछिए। और मैं ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे ईरानी लड़की को, सब कुछ आप इनको पूछिए बिकॉज ये थे। मैंने खुद उनके टिकट्स बुक किए, हालांकि आप चेक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि राखी मेरा आना उचित नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, आप जाकर लड़िए। तो नहीं बहन प्लीज़, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तू मेरी बहादुर बहन है, तू चल मेरे साथ, तू मुझे हिम्मत दे, तू मुझे हौसला दे। मैं अनाथ हूँ ये तो बोला ही हो। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनकी डिटेल्स आपको दे सकती हूँ, उन्होंने टिकट्स बुक कराए। और मेरे उस मित्र को जो कि स्पेशली एबल्ड हैं, व्हीलचेयर बाउंड हैं, वो उनको घड़ी घड़ी ये बंदी कॉल करके क्या कहती है सर मेरे प्रीपेड कार्ड पर रिचार्ज भरवाओ ना। अरे वो एक कंपनी के एमडी हैं, आप एमडी को कॉल करके बोलते हैं सर मेरे प्रीपेड कार्ड पर रिचार्ज भरो, शर्म नहीं आती आपको? अरे भीख मांगने की एक हद होती है, भीख मांगने की भी एक हद होती है। एक छोटा सा इंसिडेंट सुनो ना, एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगा पैसों के बारे में, बहुत छोटा है। अगर BMW में पेट्रोल खत्म हो जाता था ना राखी, इतने बार हुआ है कि वो गाड़ी रुका के ऑटो लेके चले जाती थी और ड्राइवर को बोलती थी भैया से गाड़ी में पेट्रोल भरा के आ जाना, वो 2000 रुपये भी नहीं खर्चती थी, मुझे बोलती थी। ये राजश्री के एलिगेशन छोड़ो, इनके भी छोड़ो, सब लोग हम झूठ तो नहीं बोल सकते। 2000 रुपये वो ऑटो को BMW को रुका के ऑटो लेके रिक्शा लेके चले जाती थी और मुझे फ़ोन करके बोलती थी जान 2000 रुपये भेज दो। 2000 नहीं है उनके पास, 1.5 करोड़ रुपये के क्लेम्स मेरे पे लगाती है, शेयर भी किया है मैंने आज आज शाम को।
उनको उनके मॉम डैड ने दिए, वो छोड़ दो, वो अलग बात है। आज शाम को राजश्री जी का कॉल आया था, मैंने उनसे दिल खोलकर बात करी, मैंने बताया उनको कि मेरा कैसा अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी दिल पर हाथ रखकर, जिस दिन पहली बार मैंने राखी को और राजश्री को एक साथ देखा, मन ही मन मैं सोचने लगी कि ऐसी दोस्त मुझे भी मिले, मुझे भी नसीब हो। क्यों? क्योंकि इतना वो प्यार करती थी जैसे एक माँ अपनी औलाद से प्यार करती है, बिल्कुल उसी तरह, ये ले लो, ये खा लो, ये पी लो, बैठ जाओ, आराम करो, रिलैक्स करो, स्ट्रेस मत लो। आज की तारीख में ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? तो तब मैंने बोला था कि राजश्री, मुझे आपकी तरह एक दोस्त चाहिए जो मेरे लिए दुख और सुख में खड़ी रहे, चट्टान बनकर खड़ी रहे मेरे लिए। मेरे तो पूरे केस में घूम रहे थे। आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो राजश्री के साथ? अरे मैं कह रही हूँ उनसे कि क्यों नहीं दोस्त बन सकते क्या? राशि ने खुद कहा कि शर्लिन, जितना प्यार मैंने उसको दिया उससे डबल प्यार मैं आपको देने को तैयार हूँ। एक सेकेंड, राशि की बात खत्म नहीं हुई। मैंने पूछा, राशि ऐसा क्या हुआ जो अचानक आपकी दोस्ती में दरार आ गई, क्या हुआ? तो राशि ने जो बात कही मुझसे वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। उसने कहा, शर्लिन क्या बताऊँ मैं, कल तक मैं उसके लिए दुनिया की सबसे इज्जतदार और बहुत ही मेहनती मैं औरत थी, उसके लिए महिला थी। आज अचानक उसने मुझे क्या कहा? बाजारू, उसका मनपसंद शब्द। यानी अब वो कह रही है कि एक महिला जो एंटरप्रेन्योर है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, हाँ, जो जब उसकी दोस्ती हुआ करती थी इसके साथ दुनिया की बेहतरीन महिला हुआ करती थी, और अब वही बेहतरीन महिला एक किसी वैश्या से या किसी बाजारू महिला से कम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उसकी नीच, गंदी, घिनौनी मानसिकता। मैं खंडन करती हूँ ऐसी मानसिकता का। आप किसी भी महिला को जलील नहीं कर सकते। जब मन चाहा आपने उसे बाजारू बना दिया, जब मन चाहा आपने उसे एक बहुत ही इज्जतदार महिला का खिताब दे दिया। क्या है ये? जब आदिल कस्टडी में था, आप लोगों ने देखा होगा, मैं सिवाय कोर्ट प्रमाइसिस के बाहर जो रिलेवेंट आप लोगों के सवालों के जवाब होते थे केस से रिलेटेड, मैं वही देता। मैं कभी भी फाल्गुनी जी मेरी एक बेहतरीन दोस्त भी हैं, कलीग हैं, मैं उनके बारे में ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन उस समय फाल्गुनी जी बराबर बाहर बैठ के रेस्टोरेंट में राखी जी के साथ बैठ के आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू किए जा रही थी, तो मुझे सेम सवाल वही उनके बारे में पूछना है। दूसरी बात, मेरा क्लाइंट जब बाहर आया है, 6 महीने तक राखी जी ने बोला, 6 महीने तक उसने कुछ नहीं बोला, 6 महीने तक क्यों नहीं बोला? अरे भाई, आपको पता होना चाहिए, जो बंदा कस्टडी में है वो कैसे बोलेगा? जेल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा? क्यों नहीं रखना चाहिए? एक बात, नहीं नहीं, बात मीडिया ट्रायल की नहीं है, बात यह है कि हमको जो चीज़ें रखनी है हम देखिए मुझे मैंने शांत हो जाइए।
जी मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहती हूँ। मैंने अभी लाइव पे देखा कि आप लोग सब यहाँ पे है और कुछ देर पहले मेरे घर पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे ये पता चला कि आज यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो मैं आदिल का पासपोर्ट देने के लिए और आदिल का साथ देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। छोड़ो, मैंने इतने दिन से संभाल के रखा है। मेरे बाकी की चीजें मिलेगा तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास नहीं, इसके अलावा मेरे साइन चेक्स हैं, ब्लैंक बॉन्ड्स हैं, ये भी तुम्हारे पास हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इतनी ईमानदार लड़की हूँ जो खुद से ये पासपोर्ट बाहर निकाल के सबको दिखाया है और आपको देने के लिए भी आई। थैंक यू, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन घूम रहे हैं एक्चुअली 3 दिन से, क्योंकि मेरी चीजें आई रियली अप्रिशिएट। आपका क्या मतलब मोटिव है? आदिल ने आपको अप्रोच किया था या आप सामने से? एंड सेम थिंग फॉर शर्लिन आल्सो, लाइक आदिल कम टू यू और यू वेंट टू आदिल एंड लेंड योर सपोर्ट, यू नो, लेट्स टॉक द मेन थिंग। मैं कल दुबई से यहां पर पहुंची मुंबई में और एयरपोर्ट पर कुछ मीडिया वाले आए थे और उन्होंने पूछा कि शर्लिन ये आदिल भाई का आपने ये देखा प्रेस मीट? आई सेड हाँ, कल सवेरे जब मैं अपने होटल रूम में थी दुबई में तब फट करके एक के बाद एक फॉरवर्ड्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर और मीडिया वाले मुझे आदिल भाई के प्रेस मीट के लिंक्स भेज रहे थे। तो मैंने देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे लगा शिट, मतलब एक हद होती है, आप कैसे लगातार नॉन स्टॉप हाँ अपराध पे अपराध किए जा रहे हो क्यों? कभी आदिल भाई, कभी कोई और, कभी मेरे खिलाफ, कभी राष्ट्र के खिलाफ, मतलब आपके दिल में कानून का कोई डर नहीं है, संविधान के लिए कोई मर्यादा नहीं है। तो मैंने आदिल भाई को मैसेज भेजा, मैंने बोला भाई मैं दुबई में हूँ, मुंबई पहुँचते ही आपसे बात करूँगी, आपसे मिलना चाहूँगी और भाई मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं आपके शहर गई थी उस लड़की के साथ उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने और मैं लानत भेजती हूँ उस दिन को। अच्छा मेरे दो सवाल हैं आपसे, क्या राखी ने जबरदस्ती पासपोर्ट छीना था? नहीं, क्योंकि जब मैं अरेस्ट हुआ था ओशिवारा पुलिस स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो घर में ही रहेंगे ना, मैं घर में था, मेरा पासपोर्ट, मेरे चेक्स वगैरह जो भी, मेरे चेक्स हैं, मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं राखी के घर में जो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट में लिखी है, हमने इंक्वायरी की है पुलिस स्टेशन में, मैंने कंप्लेंट की ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कि मेरे ये सब चीज़ें मिसिंग है। अभी हाँ मैं जाके वो कंप्लेंट में मेरी ये ले वापस लूँगा कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिल चुका है। आई रियली अब क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो कह रही है नहीं इनके पास वॉट एवर डॉक्यूमेंट, अगर मिलते हैं तो मुझे क्यों मैं झूठा आरोप लगाऊं? मैं राखी सावंत तो नहीं हूँ कि मैं चुपचाप जाके आरोप लगाऊं। मेरे साइन चेक से राखी सावंत के घर में साइन बॉन्ड ब्लैंक पेपर बॉन्ड पेपर्स। बट राखी ने बोला आपके मांगे बिना उन्होंने आपके जितने भी चीजें कपड़े से लेके गाड़ी तक सब उन्होंने आपके मांगने के बाद दिया, बिकॉज उसको पता है लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। गाड़ी मेरे नाम पे है, मेरे माँ बाप, मेरे बाप ने दिलाई है, राखी की गाड़ी नहीं गाड़ी है का तो पता था ना कि एफआईआर हो जाएगी उसको। गाड़ी राखी की नहीं है, जो बोलती थी 6-6 गाड़ियां मेरी है, मैं राखी आदिल की गाड़ी में घूम रही हूँ, वायरल हो गया, हर्ट होता है मुझे, मेरी गाड़ी है वो। जी क्या 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 पानी 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 हाँ तो ऐसी हरकतें हम नहीं करते। हाँ हमको दिल के दौरे नहीं पड़ते बात करते करते, और आदत नहीं है हमारी हर महिला को बाजारू बोलने की, वैश्या बोलने की।
अरे इनके सैलून पर गई मैं जो लोखंडवाला में है, शानदार सैलून है, शानदार सर्विस है, ऐसी महिला को वो कहती है कि बाजारू है, लानत है उस पर, उसकी मानसिकता पर, उसकी नीचता पर। मेरा नेल आर्ट स्टूडियो, मेरा काम है नेल्स का, नेल्स करने के लिए केवल और केवल गर्ल्स आती है, हम सर्विस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देते हैं। नेल आर्ट स्टूडियो और आईलैशेस करते हैं हम और नेल्स करते हैं, वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है? उसने जो मुझे धमकियाँ दी है इनलीगल एक्टिविटीज़ की, उसने सीधा सीधा बोला है अगर मैं मीडिया के पास जाती हूँ, अगर मैं आदिल से बात करती हूँ, आदिल का साथ देती हूँ, तो वो मीडिया के पास जाएगी और वो बोलेगी के राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो में इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है और उसके नेल आर्ट स्टूडियो बंद कर देगी। वो उसका कहना ये था कि राजश्री आज जो कुछ भी है नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से है, तो दुनिया को गुमराह करेगी, जनता को गुमराह करेगी और मेरा बिजनेस ठप कर देगी, मेरे पेट पे लात मार देगी अगर आदिल का साथ देती हो। हम वही करेंगे जो सच है और सच के साथ ही बैठेंगे। राखी सावंत, हम आपसे डरते नहीं है। ए, सुन ले, तू कहीं पर भी हो सुन ले, शेरनी चोपड़ा है नाम मेरा, सुन बहुत हो गया तेरा ड्रामा, ये ऐसी है वो वैसी है, ये वैश्या है, ये बाजारू है, ये खूनी है, ये बलात्कारी है, तू क्या है बे, तू क्या है? औकात में रहो, ये देश है, देश समाज है, जंगल नहीं है, कानून से चलता है, नियम है इस देश में, महिलाओं के लिए भी नियम है, कानून है। अरे ये ऐसी है, ये वैसी है, भाई को पता नहीं क्या क्या बोला मेरे बारे में। मुझे तो राष्ट्र के बारे में भी बहुत चीजें बताई थी कि तुम जेल के अंदर हो राष्ट्र की वजह से। ये मुझे बताना, ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको जेल में डालने का मुझ में मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो मैं बताता हूँ, जब मुझे जब मैंने जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार राखी को, जो राखी ने मुझे जेल से ट्रैप किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा आज तुम बोल रही हो राखी की यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके आके बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, वो यू वॉन्ट टू डू इट, मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे इसलिए। तो मैंने बोला किसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल, मैं राष्ट्रीय के बातों में आके मैं बहक गई, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और जो धाराएं का जो उसका ही ये था दिमाग था इसलिए ये हुआ। इससे पहले भी तुम्हें पता है बहुत बार वो मुझे राखी बोलती थी, जब वो घर आती थी शाम में वो ठीक हो जाती थी, सवेरे तुम्हारे साथ घूमती थी तो मेरे से झगड़े करती थी, वो बोलती थी ऐसे वो ये, जब मैं बोलता था तुम क्यों ऐसी बनती हो, वो बोलती है मेरी जो दोस्त राष्ट्रीय है मुझे सब कुछ बताती है तो मैं उसे मिलना बंद कर दूं, आप मुझे बताओ। तो आई वॉज सो सैड कि राष्ट्रीय मुझे जेल भेजाने में तुम कैसे भागीदारी बन सकती हो यार, जबकि तुम मुझे हर बार बोलती थी आदिल मैं तुम्हारा रिश्ते संभालूंगी, मैं तुम्हें मैं राखी को समझा रही हूँ। मैं ऑलवेज ये कॉल करके बोलती थी कि प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ में रहो, क्योंकि जब भी झगड़ा होता था मैं तुम्हें फोन करता था, मैं बोलता था राखी को समझाओ और राखी तो मुझे यह बोलती थी वो मुझे भड़का रही है। बिल्कुल, तो एज अ हस्बैंड जब राखी आपको एवरी डे आके ये सारी चीजें बोल रही थी, तो एज अ हस्बैंड आपने कभी मुझे कॉल किया या आप मेरे सामने आके मुझे क्यों नहीं बोला कि स्टे अवे, क्यों कर रही हो ये सब? अच्छा, कुछ क्या मिल रहा है आपको? अच्छा, सब तुम कुछ दोनों लवली सिस्टर्स ऑफ पूरे गांव में घूम रही हो और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आके तुम्हें बता दूं। एज अ हस्बैंड कोई कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई राजश्री ये सब कुछ क्यों कर। उसी दिन हमें राखी के सारे प्लान पता चलते हैं कि वो आपके पास जाके क्या कर रही है और मेरे पास आके क्या कर रही है। राखी सावंत मेरे पास आती है एवरी डे, सुबह आती है, उसके वजह से मैं आज अपना काम सफर कर रही हूँ। पिछले 7 महीने से मैंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया है, उस वजह से बहुत सफर कर रही हूँ। एवरी डे मेरा काम था
में वो ट्रॉली घुमाते हैं ना बच्चे को लेके, तो बच्चा मैं अंदर डालती थी और ट्रॉली लेके घूमती थी पूरे गांव में, गाड़ी लेके राखी को लेके रख के अपने साथ में। स्टोर उसके थे ना जी, वो मैंने अभी क्लियर किया है, मैं फिर से क्लियर करूंगी इस बात को, मैं भी एंडोर्स करूंगा, क्योंकि जब कोर्ट की हियरिंग होती थी, जब जो भी चला इतना राशि परछाई की तरह उनके साथ में रहती थी, बिल्कुल। और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इसको मन ही मन प्रेज करता था कि फ्रेंड होना चाहिए, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। और फ्रेंड होना चाहिए तो राश्री जैसा, पर जिंदगी में किसी को राखी जैसा दोस्त ना मिले। तथास्तु। हम नया जन्म चाहते हैं, हम नया जन्म चाहते हैं कि हम मेरी लाइफ में राखी जैसा एक टॉक्सिक इंसान आया, मैं तो नया जन्म चाहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी रखी थी जिसको दोस्त बोलते हैं। दोस्त मैं राखी की थी, मैं मुसलमान दोस्त नहीं थी। राखी का ऐसा कहना है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, राखी का ऐसा कहना है मैं मुसलमान हूँ, एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, एक सच्चा मुसलमान दोस्ती निभाता है, वो एक सच्चा मुसलमान सच्चा करता है ना, झूठा कहाँ करता है, वो तो सब कुछ सच्चा ही करता है। अरे राखी जैसे मैं एक मिनट क्या बोला आपने, शादी से विश्वास टूट गया है, हाँ दोस्ती से भी, दोस्ती पर से भी विश्वास टूट गया है। केवल राखी का नहीं उठा है, पूरे जनता का, राखी का ड्रामा देखने के बाद पूरे जनता का विश्वास उड़ चुका है, शादी से भी और दोस्ती से भी। हर कोई डर रहा है, लोग तो लगता है अपने घर में अपनी बीवी को देख के डर रहे होंगे कि भाई कहीं ये मुझ पर केस ना कर दे, कहीं ये मुझ पर एलिगेशन ना कर दे। ये बात राखी बिल्कुल सही कह रही है, सही है। हर साल राखी के दोस्त भी बदलते हैं, हस्बैंड भी बदलते हैं, और हर हस्बैंड बिल्कुल 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 नहीं नहीं वो कहती है कुछ लोग मेरी नकल उतार के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कौन नकल उतार रहा बे, हाँ हमारी आदत नहीं है दो तीन महीने में बॉयफ्रेंड बदलने की, हस्बैंड बदलने की, नहीं है हमारी आदत। हम आर्टिस्ट हैं और हमारा आर्ट क्या है ये दुनिया देख रही है, आपका आर्ट क्या है ये भी दुनिया देख रही है। लड़कों को प्यार इश्क मोहब्बत के झांसे में फंसाना, उसके बाद उन्हें मजबूर करना कि वो तुमसे शादी करे, उसके बाद उन्हें कंगाल बनाना, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना, उसके बाद अगर जीना भरे तो उन्हें जेल की हवा खिलाना, ये है आपका लाइफस्टाइल, आपका मोडस ऑपरेंडी। शर्म आनी चाहिए, जाओ नमाज पढ़ो, ईसा मसीह को याद करो, भगवान के सामने मत्था टेको, और तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकालो, गंद मत फैलाओ इस समाज में। आदिल लास्ट क्वेश्चन आपसे, राखी का आदिल आपने राखी के घर में चूड़ी चुराई, एक मिनट आदिल आपने उसके मम्मी के घर से, मतलब उसकी क्वेश्चन देनी चाहिए राखी, राखी जितना मुझे लूटा है मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। मैंने ज़िंदगी में उनके मम्मी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है, उनकी माँ को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, हर बार मैं उनको हर हफ्ते मिलता था, और इसके अलावा मैंने उनके मॉम को एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट दी थी जब मैं उनको हाथ मांगने गया था राखी। मेरे पास फ़ोटो है, मेरे पास हर चीज़ है,
और वो चीज़ एरिक, सबसे मुद्दे की बात बता दूँ, आज जो मैंने कंप्लेंट की है मैंने हर चीज़ उसमें क्लेम की है, गाड़ी से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज़, लेकिन मैंने जो मेरी उनकी माँ को मैंने तोहफा दिया है वो मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी माँ और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है एंड आई लव हर अ लॉट, मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए और मैं नहीं क्लेम करूँगा। वकील साहब से पूछिए कोर्ट की हियरिंग कब शुरू होगी, आगे का एक्शन क्या होने वाला है आपका वो बताइए, क्योंकि यहाँ से वहाँ वहाँ से या बॉर्डर माई नेक्स्ट स्टेप विद इन टू डेज, दो दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी वी हैव ऑलरेडी इशूड अ नोटिस, एक मिनट हाँ, हम लोगों का क्या है कि हम लोग बीइंग अ लॉयर, इनके पास में लिबर्टी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, हमेशा करेंगे या करते होंगे या नहीं करेंगे। एज अ लॉयर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कॉन्फ्रेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमको जो करना है हम लीगल करेंगे, हमने पुलिस कंप्लेंट करी हुई है, इसके बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, आज हम DCP ऑफिस में भी हमने कंप्लेंट अपनी फॉरवर्ड करी है, इसके बावजूद भी अगर पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती, FIR लॉन्च नहीं करती है, तो आई विल मूव बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट, और मैं उनसे मांग करूँगा कि कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया जाए अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC टू लॉज एन FIR अगेंस्ट राखी सावंत एंड टू इन्वेस्टिगेट द एंटायर चैप्टर व्हाट शी इज सेइंग एंड व्हाट वी आर सेइंग। और रही बात जब केस की बात करें तो राखी तुम्हारे ऊपर जो केसेस लगे हैं ना, यहाँ पर ही 3 केसेस बैठे हैं। का भी केस चल रहा है, राजश्री का भी केस चल रहा है, और मेरे तो बहुत सारे केसेस चलने वाले हैं राखी पे, बिकॉज मुझे तो न्याय चाहिए। ये की है आप दिखा रहे हो, मैं नहीं बात, नहीं, दुश्मन का दुश्मन जिगरी दोस्त नहीं होता है। देखे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोग ना किस्मत के मारे होते हैं पर यहाँ ना राखी के मारे बैठे हैं, ठीक है, तो हम किस्मत के मारे नहीं है ना हम दुश्मन मिल रहे हैं, ये राखी के मारे हुए बेचारे आप लोगों के सामने बैठे हैं। बहुत अच्छा काटा उसने, देखिए इसको लाइटर हम सबका अच्छा हुआ बच गए, वरना जेल वेल जाते तो मैं जाके छुड़ाना पड़ता। एक सेकेंड सुनो ना यार अब हम एक काम कर सकते हैं, हम तीनों मिलके राखी से लोगों को बचाएंगे हम। सबसे पहले हम ऑनरेबल कोर्ट को सारी एविडेंस शो करेंगे, उसके बाद हम या श्योरली ऑफ कोर्स यस यस यू गाइस आर कॉलिंग अस एवरीथिंग इज हैपनिंग, तो मैं ये चाहता हूं कि आर यू ओके जो नेक्स्ट टाइम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो आपके जितने भी अकाउंट के डिटेल है विद योर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आए और एक एक डिटेल आप मीडिया के सामने रखे, ये आप कर सकते हो। सबसे पहले वो कोर्ट के सामने हम जाएंगे, उसके बाद आदिल आपसे मैं जानना चाहूंगा ये आप कर सकते हो। तो मुझे तो एडवोकेट्स को पूछना ही पड़े, मैं तो अभी भी कर सकता हूँ, मेरे पास अभी भी है स्टेटमेंट्स बैंक के स्टेटमेंट, मेरे पास अभी भी है। राखी अगर प्रॉपरली जाके कोर्ट में बैठ गई ना उसको सुना होकर जेल चले जाए। क्या कहा क्या उनके पास सबूत है?
सबूत है? लोग तो मुझे कह रहे हैं कि राखी खुद एक लड़का थी, बोलने वाले मीम्स बना रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं। बताओ। मैंने हमेशा से ये सोचा कि वो नारी है। ठाकुर जी बोलो, पूछिए पूछिए। एक सेकेंड। चंद्रयान की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। सारा भारत आज का दिन बहुत शुभ है चंद्रयान के लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड, एक मिनट, जैसा आप लोगों ने बोला, बोलने दीजिए भाई, एक सेकेंड। जैसा आप लोगों ने शर्लिन से, राशि से और आदिल से पूछा कि दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, मैं इसको थोड़ा लाइटर मोड में आपको बोलूँगा कि एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि बेटा पापा साढ़ू भाई किसको बोलते हैं, तो पापा ने बोला बेटा जब एक ही कंपनी के द्वारा कई लोग ठगे जाएं तो साढ़ू भाई बोलते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप और माँ लगते हैं, नाम है और राश्री, राश्री मोरे और आदिल खान दुरानी। तो यानी शरीन अब राखी अनाथ नहीं है। क्या बात, क्या बात। इसका खत्म नहीं हो रहा। थ्री एंड थ्री एंड खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।